हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपकी इंग्लिश की वीडियो सीरीज चल रही थी उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इन्फेरेंस टॉपिक की प्रैक्टिस देखी थी, आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पार्ट टू देखेंगे, जिसमें हम कंजक्शन यानी कि लिंकिंग डिवाइस जो है आपके उसकी प्रैक्टिस देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम वो कमेंट्स करते हैं मुझे और बताते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया जाए, सब्जेक्ट कौन कौन पर भी अपलोड किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देती हूँ, मैंने रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस बना रखे हैं, कंप्लीट यूनिट कर रखी हैं। तो मैंने सभी टॉपिक पर यूनिट वाइज चैप्टर वाइज मैंने टॉपिक हम बना रखे हैं। तो आप नॉलेज प्लेनेट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएँ, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से वीडियो देखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग नॉलेज प्लान इंडिया के अपने मोबाइल से ओपन करेंगे यूट्यूब चैनल, तो आप नॉलेज प्लान इंडिया पर जाएंगे और नॉलेज प्लान इंडिया की प्लेलिस्ट में आप जरूर जाके देखिए। तो मैंने देखिए यहाँ पर कंप्लीट वो बना रखी है प्लेलिस्ट रीट टीचिंग मेथड की। इसमें टीचिंग मेथड से रिलेटेड सारे वीडियो हैं, रीट इंग्लिश वीडियो, इसमें मैंने इंग्लिश के 19 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए वीडियोस हैं, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, एसएसटी की प्लेलिस्ट है, रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई थी, वो उससे रिलेटेड जी राजस्थान जीके की है। तो मैंने इस तरह से कंप्लीट आपके लोगों के लिए देखो करंट अफेयर्स की, ये दोनों तीनों वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं फ्रेंड्स। और ज्योग्राफी का मैंने इंडियन ज्योग्राफी के मैंने जो भौतिक विभाग है वो सारे अपलोड कर रखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टार्ट करूँगी, साथ ही आपके टीचिंग मेथड भी ले लेंगे हम साइकोलॉजी के, और नेक्स्ट हम बस अब साइकोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी चलाते रहेंगे। सबके वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, अब आपको डेली 2 या 3 वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें सारे वीडियो, मुझे कमेंट्स आते हैं इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उन्हें सिर्फ 1 या 2 वीडियो मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही देखिए इसको टिक करेंगे तो देखिए आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, सब चैप्टर वाइज मैंने अपलोड किए हैं, टॉपिक वाइज अच्छे से सीरियल है, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप सारे वीडियो का इस तरह से देख करके लाभ उठा सकते हैं। तो अब चलिए आज के हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के एक पैसेज आएगा और पैसेज के थ्रू आपको आंसर फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ये पैसेज आपके लास्ट ईयर टेट एग्जाम में आया हुआ है, तो पैसेज को आप रीड कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई नीड वर्क एंड आई एंड अ डिसेंट वेज फॉर माई वर्क, कि मुझे एक कार्य की आवश्यकता है, डिसेंट वेज यानी कि एक अच्छा वेतन मेरे कार्य के लिए। एरिस्टोटल डिफाइन हैप्पीनेस, एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस को डिफाइन यानी कि परिभाषित किया है, नोट एज अ सम ऑफ प्लेजर यानी कि खुशियों का योग या खुशियों की अधिकता ही उसके लिए हैप्पीनेस नहीं है, बट एज इन अनइम्पीडेंट एक्टिविटी, एक निर्विघ्न एक्टिविटी उसके लिए हैप्पीनेस है, ना कि खुशियों की प्रचुरता, खुशियों की अधिकता उसके लिए हैप्पीनेस नहीं है, इन अनइम्पीडेंट एक्टिविटी उसके लिए हैप्पीनेस है। किसके लिए? एरिस्टोटल के लिए, यानी कि अरस्तु के लिए। आगे देखिए, आई वांट वर्क विच इज़ हार्ड बट इंटरेस्टिंग, कि मुझे ऐसा कार्य की आवश्यकता है, मैं ऐसा काम चाहता हूँ जो हार्ड तो हो यानी कि कठिन तो हो, बट वो इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर होना चाहिए। आई एम एक्सेप्शनली लकी बिकॉज आई कैन चूज माई ओन वर्क टू अ लार्ज एक्सटेंट, कि मैं अपवाद रूप से लकी हूँ, एक्सेप्शनली यानी कि अपवाद रूप से, क्योंकि मैंने अपना जो काम है, अपना श्रम का काम खुद ने चूज किया है और अच्छे वेतन पर चूज किया है। इफ आई वॉन्ट रिसीट फ्रॉम साइंस, आई कैन गो एंड बी अ फार वार कॉरेस्पॉन्डेंट, कि यदि मुझे अपने साइंस से मुझे रिसिप्ट यानी कि कुछ अवकाश मिल जाए, कुछ विराम मिल जाए, तो आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ एंड बी अ वार कॉरेस्पॉन्डेंट, और मैं यानी कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है पत्राचार या वार्तालाप, तो मैं वार्तालाप का युद्ध में जा सकता हूँ और राइट चिल्ड्रन स्टोरीज़, और मैं पत्राचार के युद्ध में जा सकता हूँ और मैं क्या करूँगा, चिल्ड्रन की स्टोरीज़ लिखूँगा, बच्चों की कहानियाँ लिखूँगा एंड मैं एक पॉलिटिकल स्पीच और कुछ राजनीतिक भाषण भी दूँगा। तो ये कह रहा है एरिस्टोटल कि उसे एक उसने हैप्पीनेस को डिफाइन किया है कि हैप्पीनेस उसके लिए क्या है, प्लेजर ऑफ सम ऑफ प्लेजर नहीं है, उसके लिए हैप्पीनेस है अनइम्पीडेंट एक्टिविटी, और उसने वो लकी है क्योंकि उसको एक काम मिल गया है, वो भी अच्छे वेतन पर मिल गया है। तो ये एरिस्टोटल बता रहा है इस पैसेज में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। आई रिक्वायर्ड फ्रेंडशिप, पर्टिकुलरली आई रिक्वायर्ड फ्रेंडशिप ऑफ माई कॉलेज सरकमडास इन साइंटिफिक एंड पोलिटिकल वर्क,
कि आई रिक्वायर्ड फ्रेंडशिप, मुझे मित्रों की आवश्यकता है विशेष रूप से, पर्टिकुलरली आई रिक्वायर्ड फ्रेंडशिप ऑफ माई कॉलेज ये सब कमेंडर्स, कि मुझे उन्हीं फ्रेंड्स की रिक्वायर्ड है जो मेरे फेलो रहे हैं कॉलेज में और मेरे प्रोफेशनल लाइफ में इन साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल वर्क, वैज्ञानिक और राजनीतिक कार्य में जो उसके फेलो रहे हैं कॉलेजेस रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप की, उनकी मित्रता की उसे आवश्यकता है। ओके, चलिए आगे क्या कहता है। आई वॉन्ट द सोसाइटी ऑफ इक्वल्स, मैं समान इक्वल्स ऐसे जो ऐसे लोगों की सोसाइटी चाहता हूँ, हु विल क्रिटिसाइज मी, जो इक्वल समान रूप से मुझे क्रिटिसाइज कर सके, एंड हु आई कैन क्रिटिसाइज, और उनको जिनको मैं भी क्रिटिसाइज कर सकूँ, यानी कि जिनकी मैं क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, कि मैं ऐसे लोगों की सोसाइटी चाहता हूँ जो इक्वल रूप से समान रूप से मुझे भी क्रिटिसाइज कर सके और मैं भी उनको क्रिटिसाइज कर सकूँ। तो ये था हमारा पैसेज। आइए हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्शन इन सेंटेंस थ्री इज, कि सेंटेंस नंबर जो तीन है उसमें कंजक्शन क्या है। वॉन्ट, ए ऑप्शन है वॉन्ट, बी हार्ड, सी बट, डी है इंटरेस्टिंग। तो चलिए सेंटेंस नंबर तीन पर चलते हैं। फर्स्ट एरिस्टोटल और थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो है बट एज इन इम्पीडेंट एक्टिविटी आई वांट वर्क विच इज़ हार्ड। तो देखिए इसमें क्या है, कंजक्शन बट एक जैसे कंजक्शन है, और कोई कंजक्शन नज़र नहीं आ रहा है हमें, तो हमें फर्स्ट जो कंजक्शन दिया है बट उसको देखते हैं। यहाँ पर विच भी एक कंजक्शन है बट जो फर्स्ट में हमें बट मिल गया, तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हैप्पीनेस इज, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या थी, अनइम्पीडेड एक्टिविटी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। देख लिए आप लोगों, एरिस्टोटल डिफाइन हैप्पीनेस नॉट एज ए सम ऑफ प्लेजर बट एज एन इम्पीडेंट एक्टिविटी, अनइम्पीडेंट एक्टिविटी हैप्पीनेस है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करने होंगे, आपके एग्जाम में भी यही आएगा, और आप इसी तरह के मॉडल पेपर की एक्सरसाइज चाहिए आप लोगों को, तो फ्रेंड्स आप लोग एक कदम अपनी सफलता की ओर बढ़ाएं और एक एक मॉडल पेपर सभी स्टूडेंट भेजेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोगों को सभी लोगों को फ़ायदा होगा। और आपको मैं डेफिनेट बोल रही हूँ कि आप लोग इंग्लिश में 25 से 27 मार्क्स के बीच में सभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप लोग मॉडल पेपर भेजें, नॉलेज प्लान इंडिया के फेसबुक पेज हैं उस पर आप लोगों ने अपलोड, अभी तक आप उसे नहीं जुड़े हैं तो उसे जुड़ जाएँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस पर अपने अपने मॉडल पेपर भेजें, आपके क्वेश्चंस हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप लोग भेजें, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी और आपको आंसर बताऊंगी और उन्हें सॉल्व करवाऊंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट, द ऑथर रिक्वायर्ड फ्रेंडशिप ऑफ, कि ऑथर को किस लोगों की फ्रेंडशिप की आवश्यकता है, पॉलिटिकल लीडर्स की, टीचर्स की, फेलो वर्कर्स की, या फिर यंग चिल्ड्रन की। तो देखिए मैंने आपको अभी हमने पढ़ा था लास्ट में ही कि आई रिक्वायर फ्रेंडशिप ऑफ माई कॉलेजेस, तो किसकी फ्रेंडशिप चाहिए उसको, उसके फेलो वर्कर्स की, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कनेक्टर्स आर देयर इन सेंटेंस फाइव, कि जो सेंटेंस फाइव है इफ़ आई वांट टू एक्सेप्ट से लेकर पॉलिटिकल स्पीच तक का, इसमें कितने संयोजक शब्द आए हैं। तो देखिए कितने हैं देखते हैं हम, ये रही लाइन हमारी इफ़ आई वांट टू एक्सेप्ट, तो देखिए फर्स्ट में इफ़ है तो फर्स्ट इफ हो गया, सेकंड है रिसीव फ्रॉम माई फ्रॉम साइंस आई कैन गो एंड, एंड हो गया हमारा सेकंड कनेक्टिव। नेक्स्ट देखिए बी एव आर कॉरेस्पॉन्डेंट और, फिर और आ गया तो थर्ड नंबर का और हो गया। नेक्स्ट है राइट चिल्ड्रन स्टोरीज और मेक पॉलिटिकल स्पीच, फिर अगेन और आ गया, तो हमारे कितने हो गए, इफ़ एंड और दो बार और है, एक बार इफ और एक बार एंड, तो चार हमारे टोटल इसमें कनेक्टिव्स आए हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा चार, ऑप्शन सी फोर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, व्हाई डज द नरेटर वांट, क्यों नरेटर को कार्य की आवश्यकता है। देखिए नरेटर को आवश्यकता क्यों थी, क्यों गेट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस सब खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए उसे नरेटर को वर्क की आवश्यकता थी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आपके पैसे जाएगा और आप लोगों को इस तरह से सोल्व करना है, और सभी वीडियोस मैंने बना दिए हैं, आप लोग उन्हें देखें, बार बार वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको परमानेंटली लर्न नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म तक लर्न नहीं रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे अगर आप लोगों ने एक या दो बार वीडियो देखा है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को रिवाइज करते रहें, बार बार उन्हें सुनेंगे तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे।
तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग विंड मॉडल पेपर भेजें तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराती रहूँगी, और साइको के और आपको ज्योग्राफी की वीडियोस मैं आप प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो आप नॉलेज प्लान जैसे जुड़े रहिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप है उसमें बताएं अपने फ्रेंड्स लोगों को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप सजेशन में मुझे दें कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आप फर्स्ट टाइम नॉलेज प्लेन जैसे जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। सो आज के लिए इतना ही, गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।